मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले को कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बड़े बड़े मंचों से कमलनाथ मॉडल की डींगे हाँकते रहते हैं। वो कहते हैं कि हमने छिंदवाड़ा को विकास का मॉडल बना दिया है। लेकिन क्या आप मानते हैं कि बड़ी बड़ी सीमेंट की इमारतों को बना देने से कोई शहर मॉडल बन जाता है? क्या आप मानते हैं कि केवल कागजों में रोजगार दिखाकर शहर को मॉडल माना जा सकता है? अगर मेरी बात कहें तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं मानती, क्योंकि जब तक किसी शहर में रहने वाली बहुसंख्यक आबादी की महिलाएं जब तक सुरक्षित ना हो तब तक कोई शहर मॉडल नहीं हो सकता। जब तक किसी शहर में रहने वाली माँ को बेबस होकर अपनी बेटियों की जान और इज्जत जिहादियों से बचाने के लिए धरना करना पड़े तब तक किसी भी शहर को मॉडल नहीं माना जा सकता। आज की इस खास रिपोर्ट में मैं हूं आपके साथ सोनम शर्मा और आप देख रहे हैं आयुध। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का वो शहर है जहां कई दशकों से कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ एक नहीं कई चुनाव जीत चुके हैं। उनका प्रभाव इतना है कि उनकी सहमति के बगैर किसी थाने में किसी फरियादी की फरियाद भी बमुश्किल ही सुनी जाती हो। लेकिन इसी छिंदवाड़ा और इसके आसपास इन्हीं कांग्रेसी के दिग्गज नेता के संरक्षण में मुस्लिम जिहादी बड़ी आसानी से पल रहे हैं, और न केवल पल रहे हैं बल्कि अब तो ये जिहादी मासूम हिंदू बेटियों के लिए खतरा बन चुके हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस क्षेत्र से लव जिहाद के मामले सामने आए हैं, जिसमें लव जिहाद की पीड़िताओं की कोई खबर नहीं है। वो कहाँ हैं, किस हालात में हैं, और क्षेत्र की पुलिस भी मूक दर्शक बनी हुई है, वो कुछ भी नहीं कर रही है, जिसके कारण पीड़ित लड़कियों की मां को अपनी लाडली को बचाने के लिए धरना करना पड़ रहा है। यहां से दो युवतियां गायब हुई हैं, एक मामला धर्म टेकड़ी का है और दूसरा कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां पहले एक महिला 29 जनवरी को अचानक गायब हो गई, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में 31 जनवरी को लिखवाई गई। इस युवती की उम्र 18 साल उसकी मां के द्वारा बताई गई है, और दूसरी युवती 17 फरवरी को गायब हुई जिसकी उम्र 21 साल बताई जा रही है। सर, मेरी गुड़िया को जिसान खान नाम के लड़के ने बहला फुसला के ले जा लिया है। आज 10 दिन हो गए हैं सर, कोई पता नहीं है। मुख्यमंत्री जी से मेरी गुजारिश है कि मेरी लड़की मुझे वापस चाहिए। 21 साल की है भैया, 10 दिन हो। तो आपने पुलिस से इसकी गुहार लगाई? हाँ। कौन से थाना क्षेत्र का? यहीं पे। सर जी, हमारी बेटी चली गई है, मुसलमान ने भेला फुसला के ले गए हैं हमारी लड़की को, और हमारी लड़की हमें वापस चाहिए। और का कहते हमें जो मीडिया वाले से जो विनती है कि बस हमारी बेटी बस वापस आ जाए, और एक महीना की बात हो गई जे, पूरे एक महीना वही झिरलिंगज में। और आप भी झिरलिंगज? हाँ, हम भी झिरलिंगज में रहते। इसकी शिकायत किए थे आप? हाँ सर जी, करे थे। कहाँ थी? जो कुंडीपुर थाना हम जीते रास्ता पे पड़ता है जैसा वाला। क्या बोले? बोल रहे थे कि हाओ का कहते हाओ लोकेशन बता रहे हैं, ढूंढ रहे हैं सर जी। जो पुलिस बारे भी नहीं ढूंढ रहे लोकेशन। इन दोनों मामलों में खास बात यह है कि दोनों युवतियों की मां ने बेटियों को लव जिहाद का शिकार बताया है कि उनकी बेटियों को बहला फुसला कर मुस्लिम लड़के भगा ले गए हैं। दोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है, पर पुलिस अब तक युवतियों को नहीं ढूंढ पाई है। लड़कियों की मां ने क्षेत्र की पुलिस पर लापरवाही करने के आरोप भी लगाए हैं। जैसे ही धरने की जानकारी क्षेत्र के TI को मिली तो मौके पर पहुंचकर उन्होंने महिलाओं को आश्वासन देकर वहां से हटाया। लेकिन अब देखना ये है कि कमलनाथ के गढ़ में कब तक इन महिलाओं को ढूंढा जाएगा और कब तक इस क्षेत्र में रहने वाली हिंदू लड़कियां डर कर रहेंगी, कब तक उन्हें ऐसी जिहादी मानसिकता का शिकार बनना पड़ेगा। आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस ने आश्वासन दिया है कि वो जल्द ही युवतियों को ढूंढ कर लेकर आएगी। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए।
आयुध इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी मौजूद है। अगर अभी तक आपने वहां उसे फॉलो ना किया हो तो तुरंत कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।